बच्चों बात करते हैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन की। तो न्यूटन के तीन लॉज होते हैं। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में आपको पहले पढ़ना है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता क्या बच्चों? बहुत सिंपल सी बात है, अगर किसी बॉडी पे कोई फोर्स नहीं लगा है तो क्या एक्सेलरेशन आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन कहाँ से आएगा? अच्छा, एक्सेलरेशन नहीं है तो क्या वेलोसिटी में चेंज आएगा? बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, एक्सेलरेशन नहीं है तो वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा। क्या इसकी दो मीनिंग हो सकती हैं? थिंक अबाउट, क्या एक्सेलरेशन ना होने पर बॉडी की दो सिचुएशन हो सकती हैं? हाँ, एक बॉडी हो सकती है कि बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, कब तक? जब तक बॉडी पे एक्सेलरेशन नहीं आएगा। एक्सेलरेशन कैसे नहीं आ रहा? क्योंकि बॉडी पे फोर्स नहीं है। तो दो सिचुएशन पॉसिबल हैं, जब बॉडी पे फोर्स ना हो मतलब बॉडी पे एक्सेलरेशन ना हो। एक्सेलरेशन जीरो होने के दो मीनिंग होते हैं, या तो बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, या बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो कंटिन्यू मोशन में ही रहेगी। कैसे रहेगी? यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी। उसी बिहा पर अब हम न्यूटन फर्स्ट लॉ को या लॉ ऑफ इनर्शिया को या गैलीलियो लॉ को लिखने जा रहे हैं, क्योंकि न्यूटन के फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं और गैलीलियो लॉ भी कहते हैं। स्टेटमेंट क्या होता है बच्चों, वो लिख लीजिए। इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट, इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट, इफ अ बॉडी, बॉडी लिखिए या ऑब्जेक्ट लिखिए, वो आपकी अपनी टेंडेंसी है, क्योंकि आपकी आदत है, वो मैं बदल नहीं सकता। इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट, इज एट रेस्ट, इट विल रिमेन इन रेस्ट, क्योंकि कोई किसी हैबिट में है तो वो उस हैबिट को चेंज नहीं करना चाहता, ये उसकी टेंडेंसी है। तो यहां बोला जा रहा है इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट इट विल रिमेन इन रेस्ट, रिमेन इन रेस्ट, एंड इफ अ बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन इट विल रिमेन इन यूनिफॉर्म मोशन। किस में रहना चाहता है? यूनिफॉर्म मोशन में रहना चाहता है। तो यहां तक मैंने दो बातें बताई है, अगर बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट में रहना चाहती है, अगर बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहना चाहती है। Until unless no unbalanced external force applied on it। ये तो बच्चों हो गया स्टेटमेंट एक तरीके से, क्योंकि बॉडी अपने नेचर को, अपनी टेंडेंसी को, अपनी हैबिट को, क्योंकि आपकी भी हैबिट होती है, आप उस हैबिट को कब बदलते हो? जब आपके ऊपर अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाता है। अदरवाइज कोई अपनी हैबिट को चेंज नहीं करना चाहता, अपने स्टेट को चेंज नहीं करना चाहता। तो हम न्यूटन फर्स्ट लॉ को दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं? उस चीज को लिखिए, इनर्शिया ऑफ बॉडी, क्या ले सकते हैं इसको? एक दूसरा स्टेटमेंट भी होता है, क्योंकि हैबिट को बदलना है, स्टेट को चेंज करना है, तो कब पॉसिबल है? जब बॉडी पर अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जाए। तो इनर्शिया ऑफ बॉडी लिखा जाएगा क्या? इनर्शिया ऑफ अ बॉडी ओनली कैन बी चेंज कब? कैन बी चेंज्ड व्हेन अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स, क्या होता है? व्हेन अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट, सिंपल सी बात है, अप्लाइड ऑन द बॉडी, ये कह दीजिए। ये भी स्टेटमेंट ठीक है, इनर्शिया ऑफ बॉडी ओनली कैन बी चेंज्ड व्हेन अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। एक तरीका और भी है न्यूटन फर्स्ट लॉ को या लॉ ऑफ इनर्शिया को डिफाइन करने के लिए, क्या होता है बच्चों? अनबैलेंस फोर्स इज रिक्वायर्ड, क्योंकि आप कहते हो किसी बॉडी की स्टेट चेंज करना है तो अनबैलेंस फोर्स इज रिक्वायर्ड। क्या होता है तीसरा तरीका? क्या है अनबैलेंस क्या होता है? अनबैलेंस फोर्स इज रिक्वायर्ड किसके लिए? रिक्वायर्ड टू चेंज लिखिए या फिर चेंज कर लीजिए, क्या कर लीजिए? टू चेंज कर लीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा। रिक्वायर टू चेंज द स्टेट ऑफ बॉडी,
क्या बोला गया है, अनबैलेंस फोर्स इज रिक्वायर्ड, अनबैलेंस फोर्स इज रिक्वायर्ड, बिना अनबैलेंस फोर्स रिक्वायर्ड के या लगाए बॉडी के स्टेट में चेंज नहीं किया जा सकता है। अनबैलेंस फोर्स इज रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ बॉडी दैट इज यूनिफॉर्म टू रेस्ट, दैट इज यूनिफॉर्म टू रेस्ट, आर रेस्ट टू यूनिफॉर्म, रेस्ट टू यूनिफॉर्म, ये बात होती है बच्चों। लेकिन अभी इसका थोड़ा फील और ले लीजिए, क्या बोला गया कि बॉडी की स्टेट में तब तक चेंज नहीं होगा जब तक बॉडी पे फोर्स ना लगाया जाए। इसका मतलब जो फर्स्ट लॉ कहता है कि बॉडी में कोई फोर्स नहीं है, बॉडी में कोई फोर्स नहीं है, इसका क्या मीनिंग है? देखो मैं यहाँ लिखता हूँ, ये तो दूसरी बात हो गई। यहाँ पे इसका मतलब है, इसका मतलब यह है कि एफ इक्वल टू जीरो है। क्या है? एफ इक्वल टू जीरो है। एफ इक्वल टू जीरो होने का क्या मतलब है? एफ इक्वल टू जीरो होने का मतलब यह है एक्सीलेशन जीरो है। अब एक्सीलेशन जीरो होने के दो मतलब हैं, या तो ये मतलब आएगा, ये मतलब आएगा, या तो ये मतलब आएगा। पहला मतलब ये आता है कि एक्सीलेशन जीरो है, इसका मतलब हो सकता है इनिशियली बॉडी रेस्ट पे हो, या हो सकता है इनिशियली बॉडी यू वेलोसिटी से जा रही हो। अगर यू वेलोसिटी से जा रही होगी तो वो जाती ही रहेगी। यू इज इक्वल टू यू है तो वी इज इक्वल टू वी क्या होगा? वी इज इक्वल टू वी यू ही होगा। लेकिन अगर बॉडी रुकी है तो v इज इक्वल टू क्या होगा? जीरो होगा। मतलब अगर u इज इक्वल टू जीरो है तो v इज इक्वल टू जीरो होगा। ये कंडीशन किसकी होती है? ये रेस्ट की कंडीशन होती है। ये कंडीशन किसकी होती है? यूनिफॉर्म मोशन की होती है। किसकी? यूनिफॉर्म मोशन है। मतलब एक्सीलरेशन जीरो होने के दो केस बच्चों आते हैं आपके पास। या तो बॉडी रेस्ट पे है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी दोनों जीरो होगी। अगर एक्सीलरेशन जीरो है, अगर जीरो होने का मतलब है कि अगर बॉडी चल रही है तो चलती रहेगी। कैसे चलेगी? यूनिफॉर्म मोशन से चलती रहेगी। ये है बच्चों फर्स्ट लॉ का इंपैक्ट। फर्स्ट लॉ जो न्यूटन ने दिया वो क्या बता रहा था कि बॉडी के स्टेट में बच्चों चेंज तभी हो सकता है जब तक उस पर फोर्स ना लगाया जाए। मतलब क्या हुआ? बॉडी की स्टेट में चेंज करना है तो फोर्स चाहिए। अगर नहीं चाहते हो चेंज तो मत लगाइए फोर्स। अगर आप अपनी हैबिट में चेंज लाना चाहते हो, अपनी या तो अपने अंदर से फोर्स लगाइए या बाहर बोल दीजिए कि आपके ऊपर कोई फोर्स लगाए, तभी आपकी टेंडेंसी या तभी आपकी हैबिट, जो आदत आपने डाल रखी है, जो आपका इनर्सिया है, उसको खत्म किया जा सकता है। इनर्सिया खत्म होगा तो आप अपने ट्रैक पे आ जाएंगे। वैसे ही बॉडी की भी टेंडेंसी होती है कि बॉडी की स्टेट में चेंज करना है रेस्ट से मोशन या मोशन से रेस्ट करना है, रेस्ट में लाना है, तो अनबैलेंस फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। बैलेंस फोर्स कभी भी बॉडी के स्टेट को चेंज नहीं कर सकता। मैंने बहुत सारी चीजें बता दी हैं आपको न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से या लॉ ऑफ इनर्सिया से, गैलीलियो लॉ से। इसके बाद का जो लेक्चर होगा बच्चों वो सेकंड लॉ ऑफ मोशन होगा। क्या होगा? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन होगा। न्यूटन सेकंड लॉ में हम फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है उसको समझेंगे, उसका फील लेंगे, कैसे डेरिवेशन होता है, रेट ऑफ चेंज का क्या मतलब होता है, और आपने सुना होगा स्पीड में थ्रिल होता है, और स्पीड क्या करती है? स्पीड क्रिएट्स थ्रिल बट किल, ऐसा सुना होगा, बोलते हैं ऐसा कि स्पीड क्या करती है? थ्रिल क्रिएट करती है और किल भी करती है। लेकिन ये बात गलत है। स्पीड कभी भी किसी को किल नहीं करती। उसके पीछे का क्या लॉजिक है वो डिस्कस करेंगे सेकेंड लॉ में।